कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दिनों एक के बाद एक बड़ा ऐलान की वजह से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों ठीका टेनेंसी के बाद हुक्का बार और अब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार प्रॉपर्टी टैक्स यानी रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स पर इजाफा करने का ऐलान किया गया है। सिटी ऑफ जॉय के बस्ती और कस्बे इलाकों में 80 और 100 स्क्वायर फीट में रहने वाले लोग जो अपने पेट को काट कर थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके फ्लैट खरीद चुके हैं या खरीद रहे हैं, ऐसे लोगों पर अब कोलकाता कॉर्पोरेशन ने एक और बड़ा बोझ डाल दिया है और इनकी प्रॉपर्टी टैक्स में 15-20% तक का इजाफा करने का ऐलान किया है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से एक नया सिस्टम लागू किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो लोग नया फ्लैट खरीद रहे हैं इन्हें नया टैक्स के दायरे में टैक्स अदा करना पड़ेगा और जिन लोगों का पुराना फ्लैट है इन्हें भी अब नए सिस्टम के तहत ही आकर टैक्स अदा करना पड़ेगा, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर पूरे तौर पर छूट दी गई है। जी हां, आपको बता दें कोलकाता कॉर्पोरेशन का एक बड़ा ऐलान। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यूनिट एरिया असेसमेंट में बड़ी तब्दीली लाई है। इस नई तब्दीली के तहत रिहायशी प्रॉपर्टी का टैक्स बढ़ा दिया गया है, जबकि कमर्शियल सेक्टर में पूरे तौर पर छूट दी गई है। इस नए प्रॉपर्टी टैक्स के यूनिट एरिया असेसमेंट स्कीम में मजीद तब्दीली लाई गई है, यानी 5 वर्षों के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में एक झटके में इजाफा किया जा रहा है। हालांकि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि ये एक्ट में ही मौजूद है। साल 2017 में यूनिट एरिया शुरू हुआ और 5 बरस के बाद साल 2023 में नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस नए सिस्टम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स की रकम में इजाफा होगा। जिन्होंने नया फ्लैट खरीद रहे हैं इन्हें नए टैक्स के दायरे में आना होगा और जिनका पुराना फ्लैट है इन्हें भी नए सिस्टम के तहत ही टैक्स अदा करना पड़ेगा। मेयर इन काउंसिल मीटिंग में मंजूरी मिल गई है, अब बस हाउस में पेश होने वाला है। एक झटके में टैक्स इजाफे को लेकर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर फिराद हकीम ने कहा है कि 20% से ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा बल्कि 10-20% के अंदर ही टैक्स रहेगा। इनके मुताबिक शहर के उस इलाका मसलन पार्क स्ट्रीट, बालीगंज, अलीपुर, गड़ियाहाट और जादवपुर वगैरह में वाका अपार्टमेंटों पर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा। मालदार तबकों में कुछ टैक्स बढ़ रहा है जबकि गरीब और मिडिल तबकों में इसका असर नहीं पड़ने वाला है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यूनिट एरिया असेसमेंट में शहर को ए से जी कैटेगरी में यानी 60 भाग में तकसीम कर दिया है। इसी के तहत बुनियादी सहूलतों के बिना पर इस फ्लैट के कैटेगरी तय कर पाएगा। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर फिराद हकीम ने कहा है कि बस्ती जी कैटेगरी में शामिल है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के असेसमेंट डिपार्टमेंट के एक अफसर ने कहा है कि बेस यूनिट एरिया को ही बढ़ाया गया है। इसके तहत ए कैटेगरी में बेस रेट स्क्वायर फीट 74 रुपए के बजाय 82 रुपए किया जा रहा है। बी कैटेगरी में 56 रुपए के बजाय 62 रुपए किया गया है, जबकि सी कैटेगरी में 42 रुपए के बजाय उसे बढ़ाकर 47 रुपए किया गया है। डी कैटेगरी में 32 रुपए से बढ़ाकर 36 रुपए किया गया है। ई कैटेगरी में 24 रुपए से बढ़ाकर 27 रुपए पर स्क्वायर फीट किया गया है। एफ इस कैटेगरी में 18 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए किया जा रहा है, जबकि जी कैटेगरी में 13 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए किया गया है। बस्ती इलाकों को एफ और जी कैटेगरी में ही शामिल रखा गया है। जी कैटेगरी में आर कॉलोनी ठीका जमीनी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनिट एरिया असेसमेंट में अब तक तमाम शहरियों ने मुकम्मल नहीं किया है, सबों को यूनिट एरिया के अहाते में नहीं लाया जा सका है जिनका डेडलाइन सिर्फ 31 दिसंबर तक ही था। ऐसे हालात में जहां पुराना यूनिट एरिया नहीं है वहां नया रेट लागू करने का फैसला हुआ है।
ऐसे हालात में शहरी इस नए सिस्टम को किस तरह लेंगे, यही अभी बहस का मौजू है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के असेसमेंट डिपार्टमेंट के एक अफसर ने कहा है कि बेस प्राइस जब भी बढ़ेगी इस प्रॉपर्टी टैक्स में भी बढ़ जाएगा। कॉर्पोरेशन के यूनिट एरिया असेसमेंट जब से शुरू हुआ है इसकी पेचीदगी की वजह से बार बार असेंबली में एक्ट तरमीम के लिए भेजा जाता है। कैटेगरी मुकर्रर करने के इससे कबल ये देखा जाएगा कि ये कितना बड़ा इलाका है, यहाँ कितनी खुली जमीन है, आसपास बस्ती है कि नहीं है वगैरह पहलुओं पर गौर करके टैक्स मुकर्रर किया जाएगा। सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि कोलकाता कॉर्पोरेशन के इस फैसले से अब किरायादार पर मकान मालिक का बोझ और खरीदार पर बिल्डर का बोझ भी बढ़ने जा रहा है। सम्पत्ति कर वृद्धि कोनो आशंकाई नहीं, तार कारण यूनिटरी आगे थेके कैपिंग हो रही है, 20% नीचे जेते पारबे ना कि 20% ऊपरे आसते पारबे ना। और एरिया वाइज यूनिट एरिया विशेष करे এমন ভাবে করা হয়েছে যেখানে উচ্চবিত্তরা আছেন তারা ট্যাক্স বেশি দেবেন, যেখানে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত আছেন সেখানে ট্যাক্স কমে যাবে, সেইভাবে এরিয়াগুলোকে ডিফাইন করা হয়েছে। যেটা সেদিন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যদি এ ক্যাটাগরিও থাকে তার মধ্যে দেখা যায় যে যে অঞ্চলটা বস্তি বা অন্য কিছু সেগুলোর ক্যাটাগরি আবার জি হয়ে যাবে। ধরুন আলিপুর রোড এ ক্যাটাগরি, কিন্তু সেখানে আলিপুর রোডের কিছুটা জায়গা যেখানে এ রয়েছে সেখানে জি হয়ে যাবে। আবার কিছু জায়গা যে যেটা ধরুন ই ক্যাটাগরি, কিন্তু তাখানে একটা বড় কমপ্লেক্স হয়েছে যেখানে উচ্চবিত্তরা এসছে, তাহলে সেই জায়গাটা আবার এ হয়ে যাবে। এইভাবে ডেফিনেশনগুলোকে পাল্টে দেওয়া হয়েছে, সেই জন্য এখানে আবার মেয়র পরিষদ এসছে। বিলাসবহুল আবাসন যেখানে আছে সেখানে এ ক্যাটাগরি ধরা হয়েছে, যেখানে স্ট্যান্ড অ্যালোন বিল্ডিং সেগুলো যেরকম যা আছে সেখানে তাই ধরা হয়েছে, সেগুলোকে আর কোনো চেঞ্জ করা যাবে না। আর সেই অঞ্চলে যদি এ ক্যাটাগরি অঞ্চলেও ধরুন এই অফিস এরিয়া পার্ক স্ট্রিট টার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে যদি সেখানেও যে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানে লো ইনকাম গ্রুপ থাকে, তাহলে সেই জায়গাগুলো আমরা জি ক্যাটাগরি রেটেই ধরব। এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে, না হলেও তা অটোমেটিক হয়ে যাবে, তার কারণ সবই আস্তে আস্তে ইউনিটারি অ্যাসেসমেন্ট হয়ে যাবে।